बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। वेलकम टू रिजवाना व्लॉग। ये देखिए जी, आज के व्लॉग में, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी मसाला, यानी कि मसाला भिंडी जो है गोश्त के बगैर, किसी भी चिकन या गोश्त के बगैर जो है मैं आप लोगों के साथ भिंडी की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। वेलकम टू रिजवाना व्लॉग। आज आप लोग देखेंगे कि मैं अपने घर में भिंडी जो है वो सादा भिंडी जो है, भिंडी की सब्ज़ी, उसको कैसे बनाती हूँ। तो जी, ये मैंने ऑयल 1 किलो भिंडी की मुनासबत से डाला है। इसमें मैंने जो है डाल दी हैं भिंडियाँ मुनासब ऑयल। कहने का मतलब ये है कि जितने में हमारी ये भिंडियाँ अच्छे से जो हैं वो फ्राई होती जाएंगी, इतना मैंने ऑयल डाला है। और इसके साथ मैंने डाल देना है भिंडियों के अंदर 1/2 टीस्पून नमक का, और तकरीबन 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर हल्दी डालूंगी। इससे फ्राई करते हुए जो है वो भिंडियों का कलर बड़ा ही खूबसूरत आता है। और साथ साथ मैं, ये अजवाइन है मेरे पास थोड़ी सी, ये थोड़ी सी जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अजवाइन जो है वो भिंडियों को जो है हज़म करने में बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, और इससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा इसका डेवलप होता है। ये देखिए जी, अब मैं इन भिंडियों को दरमियानी आंच के ऊपर एक अच्छा सा जो शेड इनका आ जाएगा फ्राई होके, और ख़ूबसूरत से ये भुन जाएंगी, तो इनको मैं सेपरेट से निकाल के फिर इनका मसाला तैयार करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं मसाला भिंडी जल्दी जल्दी और सादा से तरीके के साथ कैसे बना लेती हूँ। ये तरीका जितना सादा है उतना ही कदीमी है। मैंने असल में बिल्कुल जो पहले के जिस तरह पहले लोग बनाते थे, बिल्कुल सादे तरीके से वो मैं भिंडियाँ बनाती हूँ, इसलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि देखें बड़ी आसानी से और बड़ी खुशी खुशी जो है वो भिंडियाँ बन जाती हैं। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि नेक्स्ट प्रोसेस में मैं मसाला बना के इन भिंडियों को कम्प्लीट कैसे करती हूँ। और साथ साथ जो है, जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स, और जो नए आने वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को फुल वॉच करके लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके अलावा जो है वो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप लोग तक पहले पहुँचे और आप लोग जो है मेरी वीडियो को देख सकें। तो चलिए जी, अब मैं जो है स्लो स्लो सी आँच के ऊपर, दरमियानी सी स्लो आँच के ऊपर ही इनको फ्राई करूँगी। इसके बाद हम बनाएंगे मसाला और झटपट से हमारी घर के आम सादा से मसालों के साथ तैयार हो जानी है मसाला भिंडी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जी। तो ये देखिए, भिंडी को जो है वो मैंने फ्राई करके इस तरह से सेपरेटली निकाल लिया है, और जो इसका ऑयल है बाकी उसके अंदर अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसी ऑयल के अंदर जिसमें से हमने अभी भिंडियाँ फ्राई करके निकाली हैं, उसी के अंदर, ये देखिए ऑयल आपको इस वक्त काफ़ी कम लग रहा होगा, लेकिन वो डालने की ज़रूरत नहीं है। जब हम भिंडियाँ बनाएंगे तो देखेंगे कि ये काफ़ी जो है ऑयल होगा। बाज़ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं। ये देखिए जी, मैंने जो है वो तकरीबन 1 किलो ही प्याज भी ले लिए थे, उनको मैंने धो के तो बहुत अच्छा सा काट लिया था, और ये एक टुकड़ा जो है प्याज का साबुत ही चला गया, इसको भी मैं अभी काट के इसके अंदर डालूँगी, और इसको जो है वो मैं अच्छे से जो है वो इसका प्यारा सा कलर लाऊँगी फ्राई करके। ये देखिए, तकरीबन 1 किलो भिंडियाँ हैं और 1 किलो भिंडियाँ हैं और ये 1 किलो ही प्याज हैं। करेले, भिंडियाँ और जो फलियाँ वगैरह हैं, आप लोग तकरीबन जानते होंगे कि इनके अंदर प्याज जो है इनके बराबर की मकदार का हम लोग डालते हैं। तो इसी तरह हम प्याज को हल्का सा फ्राई करके, तो इसके अंदर आगे और क्या प्रोसेस करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ, तो चलिए रहिए मेरे साथ। चलिए जी, प्याज देखिए हमारे हो चुके हैं फ्राई। ये देखिए कितने मज़े की और खूबसूरत सी इनकी शक्ल हो गई है फ्राई होके, इतने ही हमें फ्राई करने हैं। और अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी ये हरी मिर्चें 6 से 7 अदद की, और ये 4 अदद टमाटर जो कि मैंने काट के रखे हुए थे ये डाल दिए हैं मैंने,
और इनके साथ जो है वो मैं डाल दूँगी ड्राई इन्ग्रीडियंट्स मसाले। इनमें हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून जो है वो पिसा हुआ हुक धनिया है, और 1.5 टीस्पून जो है 1.5 टीस्पून मैंने सूख मिर्च ली है जिसमें दादर मिर्च और सूख मिर्च दोनों मिक्स की हुई हैं, और 1.5 टीस्पून मैंने ले लिया है नमक क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था। तो अब मैं जो है टेस्ट करके देखूँगी, अगर मेरे जरूरत हुई तो मैं और डालूँगी। तो इन चीज़ों को अब मैं मिक्स करूँगी और सिर्फ 5-7 मिनट के लिए इनको मैं दम पे लगाऊँगी। और नेक्स्ट क्या हो रहा है देखते रहिए और पाइए एक मज़ेदार सी रेसिपी भिंडियों की। ये देखें जी कितना मज़ेदार सा मसाला इसका लग रहा है। इस तरह से जब टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो इनको हम इसके अंदर इसी तरह मैश कर लेते हैं, और इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर डाल देनी है फ्राई की हुई भिंडियाँ। ये देखें जी सारी की सारी मैंने इसके अंदर भिंडियाँ डाल दी हैं, और अब जो है वो मैं इनको मिक्सअप करूँगी और तकरीबन 7-8 मिनट के लिए इनकी भुनाई करूँगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में और ये जो तैयार हो जाएंगी तो मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार खुशबू आ रही है और मज़ेदार सी ये रेसिपी चपातियों के साथ खाने में कितना मज़ा आएगा। तो चलिए मैं आप जो है फाइनल लुक तक जो है आपसे मिलती हूँ। इसको मैं अच्छी तरीके से भूनना है अभी, ठीक है जी। ये देखिए जी तैयार है हमारी मसाला भिंडी माशाल्लाह से। ये देखिए ये है इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जो है पसंद की जाने वाली एक डिश है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी, और बिल्कुल ही आसान और मुनासिब से और घरेलू मसालों के साथ तैयार की जाने वाली ये सादी सी डिश आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरे नई आने वाली वीडियो तक, मेरे नए आने वाले किसी व्लॉग तक। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो आने व्लॉग तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे रखिए दुआ में याद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।